अच्छा तो सारे सबको स्क्रीन पे दिखाइए जिनके पास हमें जाना है। आज हमें जाना है इबदान। अभी बताऊंगा इबदान क्या, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठाणे और लखनऊ, यहां से क्वेरीज को एड्रेस करना है। तो पहले इबदान जा रहा हूं। इबदान दरअसल नाइजेरिया में। अब मैम के आने से पहले मैं पढ़ रहा था इस कंट्री सिटी के बारे में। तो नाइजेरिया की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से और सबसे बड़ी है एरिया के हिसाब से। भावना जी सही कह रहा हूं ना मैं? यस सर, सही है आप सर। कैसे पहुंच गई इबदान? मेरा हस्बैंड का जॉब है यहाँ पे, इसलिए अरे वाह, तो कब से हो आप? मैं 2018 से 2018 से, 4-5 साल से इबदान में हो। कैसा लग रहा है नाइजीरिया, कैसी जगह? अच्छी है सर, अच्छी है। इंडिया मिस नहीं करते क्या? हाँ सर, मिस तो करते हैं, इंडियन अच्छा, लोग ये ज्यादा वहां है पे भी ना यहाँ कोरोना पे। बहुत फैला हुआ है क्या नाइजीरिया में, इबदान में? नहीं सर, कोरोना ज्यादा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे लॉकडाउन भी नहीं था ज्यादा। अच्छा, ये बढ़िया है फिर तो। तो आप वहां से फिर हस्बैंड काम पे जाते हैं इबदान में, आप फिर घर पे बैठ के भारतीय बाजारों में स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हो, ऐसा होता है क्या? यस अच्छा, तो ये कब शुरू करा स्टॉक मार्केट में, जब इबदान मूव कर रहे थे या इंडिया से ही शुरू कर चुके थे पहले ही? इंडिया से ही शुरू कर दिया था 2016 में। अरे वाह, और अभी क्या करते हो आप? वहां से डेली मार्केट को दिन भर ट्रैक करते हो या फिर सिर्फ लंबी अवधि के कुछ स्टॉक्स होते हैं जो वहां से खरीदते रहते हो आप, लाइव दिन भर ट्रैक नहीं करते? कैसे चलता है? सर मैं शॉर्ट टर्म के लिए लेती हूँ, एक 2 महीने के लिए लेती हूँ, और जैसे प्रॉफिट हो जाता है तो सेल कर देती हूँ, और सीएनबीसी देख के ही प्रॉफिट हो रहा मैं है? स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ। अरे वाह, तो प्रॉफिट हो रहा है ना भावना जी? हाँ सर, हाँ सर। अरे वाह, इबदान में बैठ के हिंदुस्तान के बाजार में भावना जी पैसे कमा रही हैं, बढ़िया है। अच्छा भावना जी, 2-3 क्वेरीज है। पहली कौन सी जो रचना मैम के सामने रखी जाए? हैवेल्स इंडिया सर, 19 जुलाई को लिया था अभी मैंने। हैवेल्स इंडिया 75 शेयर है, 1100 बाइंग प्राइस है, और सीएनबीसी देख के ही लिया था मैंने 1100 की बाइंग प्राइस? अच्छा, तीन चैनल जुलाई देख के को लिया? लिया अरे था। वाह, तो मेरे ख्याल से 1250 1250 के आसपास आ गया, तो आपको तो मुनाफा हो रहा है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ईयर हाईज आज ही स्टॉक ने छुए हैं, तो मोमेंटम तो स्ट्रांग है। कंसोलिडेशन के बाद बढ़िया मूव बन रहा है। रचना जी क्या करूं, 1100 की खरीद है, जहां मुनाफा बनता है बांध लेती हूं मैं। तो अब रखना चाहिए, फर्दर गेन्स मिल सकते हैं क्या हैवेल्स में, अभी रखूं स्टॉप लॉस लगा के? जी मेरा तो खुद का फेवरेट काउंटर्स में से है हेवल्स, और इनकी एंट्री भी अच्छी है अरे और वाह, शी इज सिटिंग ऑन गुड प्रॉफिट्स। उनको अपना एसएल जो है उनको ट्रेल कर लेना चाहिए और 1140 के आसपास एसएल लगा देना चाहिए। और ऊपर वाली साइड पे इमीडिएट टर्म्स की बात करें, नियर टर्म की, तो पहला उनका टारगेट हो सकता है 1250, और उसके बाद 1300 तक भी ये आसानी से जा सकता है, प्रोवाइडेड कि ओवरऑल मार्केट जो है वो अपना मोमेंटम सस्टेन करेगी, और अगर कोई रिट्रेसमेंट भी आया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो 1140 पे ट्रेल करें और टारगेट लगाए 1250 और 1300। अरे वाह, तो ये आपको ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस मैम का भी फेवरेट है हैवेल्स। तो दिवाली जी सही स्टॉक आपने चुना है भावना जी। अच्छा मैं आ रहा हूं आपके पास अगली क्वेरी के लिए, समय रहा तो। ठाणे जा रहा हूं, दीपाली आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगी। दीपाली मैम, आप कब से शेयर बाजार में और कैसा रहा है शेयर सर बाजार में अब तक का एक्सपीरियंस? 2009 से मैं शेयर बाजार में हूँ, अरे वाह, 2009 तो से। आप तब का पोर्टफोलियो, तब के स्टॉक अभी भी रखे हुए हैं या हटा दिए? हाँ सर, लास्ट ईयर थोड़ा सा लॉस हुआ था सर, पेंडेमिक कोरोना की वजह से, बट अभी फिर से लेके रखा है। 4 to 5 लाख का था, अभी 7 to 8 लाख का पोर्टफोलियो हो गया है सर अभी। अरे मुबारक हो आपको। तो सर अब तो अनलॉक भी हो रहा है, मुंबई में रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, बेचिए और कुछ बढ़िया पार्टी वार्टी करिए। लेकिन दीपाली मैम, क्वेरीज पहले क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। पहला कौन सा स्टॉक है? एचडीएफसी है, क्योंकि हम लोग अभी पोर्टफोलियो के ऊपर जो लिमिट हाँ मिलता है उसमें मैंने एचडीएफसी फ्यूचर बाय करके रखा है।
हाँ, कितने टू पे लिया फर्स्ट हुआ जीरो है? एट का एक लॉट है मैंने ना, तो, हाँ एक लॉट है सर। 2408, 2408 तो HDFC, तो आपको तो फायदा हो रहा है इसमें। सर कल तो रिजल्ट आया बट हम लोगों ने मींस कैरी फॉरवर्ड किया था सर। फेब में जो उसने हाई लगाया था ना 2800 का, तो 260 के आसपास हम लोगों ने बाय किया था। 2602 पे कह रहे हो आप कि 2408 का आपने? कितने पे खरीदा मैम? 2600 में बाय किया था, कैरी फॉरवर्ड किया है। तो अभी जो जुलाई का छब्बीस की एक्सपायरी हुआ खरीद। था उसमें मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, 2408 पे किया है अभी फिर से। 2408 तो क्या करना चाहिए रचना मैम? HDFC, अब रिजल्ट्स के बाद से कुछ तो स्ट्रेंथ है। आज भी रिजल्ट्स के दिन भी चला और उसके बाद आज भी मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन प्ले डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाई गए, HDFC लिमिटेड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो स्वीट्स बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अब चलना शुरू हुआ है मैम। क्या करना जी चाहिए HDFC लिमिटेड में? इन्होंने जो पहले वाला लॉट लिया था 2600 के ऊपर, उसमें से इन्होंने आइडियली हाँ एग्जिट कर लेना चाहिए था पर वो नहीं किया है, और इन्होंने 2400 के आसपास एवरेज आउट करने की कोशिश करी है। तो उनकी जो प्राइस आ गई होगी, एवरेज प्राइस करीब करीब 2500 के आसपास होगी, तो शी मस्ट बी ऑलरेडी इन ग्रीन नाउ। और आज तो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है इस फ्यूचर्स के लॉट का, तो उनको अब अपना एसएल जो है वो ट्रेल कर लेना चाहिए, और 2430 के आसपास लगा सकते हैं वो अब अपना एसएल, अगर उनको मल्टीपल वीक्स के लिए होल्ड करने की इच्छा है तो। एंड इन दैट केस उनका टारगेट फिर हो सकता है 2620 जो उनकी पहले वाली एंट्री थी, और 2740 एंड 2830, ये मल्टीपल वीक्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए बड़े लेवल्स हैं, उस हिसाब से उनको 2430 का एसएल लेना चाहिए। और अगर उनको इतना ज्यादा मल्टीपल वीक्स नहीं होल्ड करना हो तो इनको 2500 के नीचे एसएल ले लेना चाहिए, 2490 पे, और फिर उनको 2650 एंड 2700, बस ये दो टारगेट रख के चलना चाहिए अगर स्विंग ट्रेडिंग है तो। और जो पहले वाले लेवल बताए वो पोजिशनल के हिसाब से, मल्टीपल वीक्स के हिसाब से, ऑन एन एवरेज एवरीथिंग इज फाइन, शी कैन होल्ड ऑन, शी कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस, और आगे और बढ़िया होना चाहिए। अरे वाह, आगे और बढ़िया होना चाहिए और स्क्रीन पे अच्छी तेजी बन भी रही है। आज भी डेज हाई 80 रुपए की मजबूती के साथ HDFC लिमिटेड इस समय कामकाज करता हुआ लखनऊ जा रहा हूं और सौम्या आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सौम्या हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आप कब से गुड शेयर मार्केट्स में? आफ्टरनून, कैसे हैं आप? आई एम अ बिग हाय फैन मैम, ऑफ योर्स। वाह, आपसे बात करके एकदम ठीक। अरे वाह, और आप तो और भी ठीक हो मैम। मैं रचना मैम को बहुत एडमायर करती हाँ हूँ, एंड वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है टू लर्न मोर एंड टू ग्रो इन दिस फील्ड। तो थैंक यू रचना मैम फॉर इंस्पायरिंग अस। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। हाँ, मेरा अरे क्वेरी वाह ही, सौम्या, कब से शेयर मार्केट्स में हो आप? मेरे को 1.5 साल हो गया है अभी, वन एंड हाँ, हाफ तो इयर्स ये जब पैंडेमिक शुरू शुरू हुआ था तभी, मतलब मार्च के आसपास पिछले हाँ साल। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तब से ही कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद ही टाइम मिला। उससे पहले तो ऑफिस गोइंग थी मैं, तो ऑफिस में बिजी रहती थी तो इतना टाइम नहीं मिलता था। तो मेरे फादर करते थे और हस्बैंड का भी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा मैं भी करती हूँ। और अभी मैं पर्टिकुलरली खुद ट्रैक करती हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स, क्या लेने हैं, खुद के थॉट्स रहते हैं मेरे, क्या किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली CNBC आवाज मेजर प्लेइंग रोल इन माय डिसीजंस, तो दिस इज द थिंग। अरे वाह, तो अच्छा लखनऊ में क्या हाल है? हजरतगंज खुला नहीं खुला? खुला हुआ है, वीकडेज में खुला रहता है, वीकेंड में क्लोज रहता है। तो आप जाते हो गंजिंग के लिए? यस ऑफ कोर्स, आई लव माय सिटी, बट ओ, आई इट्स अ मस्ट टेल ब्यूटीफुल यू सिटी, राइट इसमें तो कोई नाउ डाउट आई ही एम नहीं इन है। मुंबई। हाँ मैं मुंबई से आपसे बात कर रही हूँ। जब मैंने रजिस्टर किया था CNBC टीवी में, उस समय मैं लखनऊ में थी, हाँ और राइट नाउ आई एम बैक इन नवी लखनऊ से मुंबई एट मुंबई माय। कैसे? एक्चुअली मैं वेकेशंस के लिए गई थी पेरेंट्स के साथ रहने के लिए, तो 1 महीने थी, और जब हाँ, रजिस्टर किया एंड यू था मैरिड या आउट हियर इन तब, मुंबई, नवी मुंबई, या ठीक है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है, अरे वाह, तो सौम्या अदानी पावर ले रखा है ऑलरेडी क्या? अदानी पावर ले रखा है, 150 शेयर्स है मेरे पास एट द रेट ऑफ 148, हाँ, तो उसमें मुझे काफी ओ, और लॉस ये हो रहा लॉन्ग है। टर्म के हाँ लिए लिया था क्या सौम्या आपने? मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था,
तो अभी दिक्कत मैं उसको होती कैरी भी कर सकती हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, है। तो क्या सजेशन रहेगा, मैं रहूँ कि मतलब मैं, या मैं तो ये रचना मैम जहां से चला था वहीं लौट आया तेजी दिखा के, क्या करना है अब? कि सबसे पहले तो मैं इनसे ये कहूंगी, शी बिलोंग्स टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस इन टर्म्स ऑफ सिटी, लखनऊ बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है और बहुत सी चीजें वहां की मेरी फेवरेट है. सो नाइस टॉकिंग टू यू एंड मेरी मैं भी, ये मेरी भी। और उसमें मक्खन मक्खन मलाई सबसे इंपॉर्टेंट। मलाई एंड मुगलाई क्यूजीन्स आर द यूएसपी ऑफ लखनऊ, द चिकन बर्ग, द क्लोथ वो बर्ग, द मुगलाई चिकन कुजीन बर्ग सबसे इज जगह रियली मिलती है, फेमस मक्खन ऑल मलाई ओवर जैसी द चीज नहीं देखी थी मैंने। नहीं वर्ल्ड. आए वो टुंडे उंडे अपनी जगह, वो मक्खन मलाई जैसी चीज नहीं देखी थी मैंने कभी। अमेजिंग चीज है वो। चलो चौक चौराहे हम पे लोग है, खाने ये वाने की कहाँ बात करें, लंच आवर्स में। क्लोथ के लिए भी फेमस है, द चिकन वर्क रचना मैम बिलोंग्स टू लखनऊ ओनली. आई नो अब आई नो लखनऊ की बहुत ज्यादा तारीफ हो गई है। रचना मैम भोपाल के बारे में आप बताना, साथ में अदानी पावर के बारे में बताना। जी, आपके सामने आप ही के शहर का ड्रेस पहन के बैठी हूँ मैं बाय द वे. एंड जहां तक अदानी पावर की बात है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप होल्ड भी कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए किसी चीज में रह भी सकते हैं, तो भी वो चीज हमेशा आइडियल नहीं हो सकती. अगर कोई मजा नहीं है कि हम पहले लॉसेस को बिल्ड करें और फिर उसको रिकवर करें, उसमें मजा उसमें है कि प्रॉफिट्स को राइट करा जाए, नॉट कि लॉसेस को. तो आइडियली आप अगर निकल जाती तो आपके लिए बेटर रहता, और हालांकि आपने वो चीज नहीं करी है तो नाउ दैट इज गुड कि आप अभी भी होल्ड करने को तैयार है. तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप एसएल को कम से कम 70 के आसपास जरूर सस्टेन करिएगा, और मेरे हिसाब से वो लेवल चलना चाहिए, वो लेवल होल्ड करना चाहिए. नाउ दैट यू आर इन, नाउ दैट यू हैव केप्ट होल्डिंग इट तो 70 पे ऐसे लगा के होल्ड करेंगे तो 110 का, 130 का और 160 का, 50 से 60 के बीच में, ये ऊपर वाली साइड पे टारगेट्स प्रोबेबली आने चाहिए, प्रोवाइडेड कि ये जो 70 का लेवल है वो सस्टेन करेगा. और अभी तो बहुत स्पेस है वहां पे, सो आई डोंट थिंक कि ट्रबल आनी चाहिए, करना चाहिए होल्ड वो लेवल. चलिए सौम्य ने पता नहीं मुगलई खाने और क्या क्या बात कर ली है, तो मुझे भूख लग रही है। ब्रेक का समय हो गया है। भावना, दीपाली और सौम्य, आप तीनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। रचना मैम आपका भी थैंक यू सो मच, वो बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करवाने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।